गुड मॉर्निंग बच्चों, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि राइटर अपने परिवार के साथ समुद्री यात्रा पर निकला था, लेकिन बीच में उनका सामना खतरनाक मौसम से होने लगा, जिसमें राइटर मरते मरते बचता है और वो किसी तरह से अपने नाव को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें कि पूरा पानी भर गया था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे हमारे पास शायद एक दूसरा इलेक्ट्रिक पम्प भी है। आई कनेक्टेड इट टू एंड आउट पाइप। मैंने उसे आउट पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वो पूरी रात उन्होंने एंडलेस यानी असीमित रूप से बिटरली कोल्ड रूटीन में बिताई। बहुत ही ठंडा मौसम था और वो कंटिन्यूसली पंप कर रहे थे, अपनी नाव से पानी बाहर फेंक रहे थे, नाव चला रहे थे और रेडियो पर भी काम कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेडे कॉल्स। लेकिन हमें हमारी मेडे कॉल्स का मतलब होता है डिस्ट्रेस कॉल। जब आदमी कहीं पर फंस जाता है और वो किसी को सहायता के लिए बुलाता है, तब उन्हें मेडे कॉल्स कहा जाता है। लेकिन हमारी मेडे कॉल्स का हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के एक बहुत दूर कोने में बैठे हुए थे और वहाँ तक रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं आती। शूज हैड हेयर स्वोलन अलार्मिंगली। सू का सर बहुत बुरी तरह से सूज गया था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज़। और उसकी दोनों आँखें भी सूज कर बड़ी हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और उसने दिखाया कि उसकी हाथ में भी एक गहरा कट लगा था। वैन आई आस्क वाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। जब मैंने उससे पूछा कि उसने हमें अपनी चोट पहले क्यों नहीं दिखाई, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये लाइन बताती है कि शू कितनी ब्रेव थी। इतना ज़्यादा चोट लगने के बाद भी उसने सिर्फ ये कहा था कि मुझे थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, उसने अपनी सारी चोट नहीं दिखाई थी। तो इस तरह से वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाह रही थी। शू की एज सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह हो गई। द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल। उन्होंने वाटर लेवल को पम्प से अंडर कंट्रोल कर लिया था, उनका वाटर लेवल काफ़ी कम हो गया था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। अब इतना कम हो गया था कि हम सब 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे रोटेशन में, यानी बाकी 3 काम करेंगे और इनमें से एक रेस्ट करेगा। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन उसे पता था कि अभी उनकी जो वाटर लाइन है उसके नीचे कोई लीक था। वाटर लाइन यानी उनकी जो नीचे वाली तली है नाव के नीचे, कहीं पर कोई लीक था जिसकी वजह से नाव में पानी भर रहा है। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम वर स्मैश डाउन। चेक करने पर मुझे पता चला कि बोट का जो मेन रिफ फ्रेम है, रिफ फ्रेम इस फ्रेम को कहा जाता है जो बेस बनता है नाव का, वो लगभग स्मैश हो गया था, टूट चुका था। टू द कील, कील नाव के सबसे नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है जो पानी के अंदर रहता है। तो अंदर से उनकी नाव पूरी तरह टूट चुकी थी। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल। वास्तव में स्टारबोर्ड हल को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, यानी ये वाला सेक्शन पूरी तरह से टूट गया था, एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड पार्टीशन। सिर्फ लकड़ी के कुछ पार्टीशन बचे थे स्टारबोर्ड साइड में। वी हैड सर्वाइव्ड 4:15 आवर्स सिंस द वेव हिट। वेव ने राइटर को 15 घंटे पहले हिट किया था, 2 जनवरी को हिट किया था, और उसके बाद वो 15 घंटे तक उन्होंने सर्वाइव किया। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी
कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएं। इस समय वो यहाँ पर थे इंडियन ओशन में और उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो इतनी लंबी दूरी तय करने की हालत में वे वॉकर नहीं थी। आई चेक आर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट। मैंने अपने चार्ट्स देखे और कैलकुलेशन की कि हमसे कुछ हंड्रेड किलोमीटर्स की दूरी पर दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये दो आइलैंड्स यहाँ पर थे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक आइलैंड का नाम आइल एम्स्टर्डम था, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि हम इतने वास्ट ओशन में, इतने बड़े समुद्र में इन पिन प्रिक्स तक पहुंच जाएं। पिन प्रिक्स होते हैं जो बहुत छोटा हो, इतना बड़ा समुद्र और उसमें ये दोनों, उसमें ये दोनों आइलैंड्स पिन प्रिक्स की तरह से, यानी इतने छोटे जैसे कि किसी ने पिन से थोड़ा सा प्रिक कर दिया हो, उस पर जो हल्का सा चोट लगती, हल्का सा जो निशान होता है, या पिन के पॉइंट जितना छोटे आइलैंड थे और उन्हें इतने बड़े समुद्र में इन आइलैंड्स को ढूंढना था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, लेकिन जब तक हवा और समुद्र थोड़े से कम नहीं हो जाते, उनकी स्पीड थोड़ी अबेट नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती, तब तक वो सेल नहीं लगा सकते थे अपनी बोट में। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे वहाँ तक पहुँचने का चांस बहुत कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और उस बड़ी वेव ने जिसने राइटर को भी बोट से नीचे फेंक दिया था, उसने उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, जो सहायक इंजन था, उसे भी ख़राब कर दिया था। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। हमारी नाव में अब थोड़ा सा ही पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें सिर्फ उस पानी के साथ अपनी पेस बनाना था जो आ रही थी, यानी अब सारा पानी बाहर निकल गया था, अब जो आ रहा था सिर्फ उसे ही बाहर निकालना था, क्योंकि उनकी नाव नीचे से टूट गई थी और कंटिन्यूसली अभी भी नाव में पानी भर रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट ये होता है, हम इस पर कोई भी सेल नहीं लगा सकते थे। मेन सेल ये होता है और ये स्टॉर्म जिब होता है। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुट द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अगर उन्होंने सेल लगा लिया तो प्रेशर पड़ेगा रिगिंग पर, यानी रिगिंग का मतलब जो उनका सामान था, जिसमें कि रस्सियाँ थी लाइफ और जो उनकी लाइफ सेविंग सामान था, उन सब पर प्रेशर पड़ता और वो हल को अपार्ट कर सकते थे, यानी बोट का जो पार्ट टूट गया था वो उससे अलग हो सकता था अगर थोड़ा सा भी प्रेशर होता। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने सिर्फ स्टॉर्म जिब लगाया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और उस तरफ हमने अपनी बोट का रुख किया जिस तरफ मुझे लग रहा था आइलैंड्स मिलेंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, मैरी को उस समय खाने के लिए कुछ कॉर्न ब्रीफ और क्रैकर बिस्किट मिले, इसलिए कह रहे हैं राइटर क्योंकि सारा सामान उनका पानी में बह रहा था। एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिन बाद अपना पहला खाना खाया। बट आर रेस्पाइट वर शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारी रेस्पाइट थी, जो हमारा रिलीफ था, थोड़ी सी हमें तसल्ली मिली थी, वो बहुत कम टाइम के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे फिर से काले बादल छाने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और 1 घंटे के अंदर ही हवा की स्पीड 40 knot हो गई, और पहले बताया था उनकी जो बोट चल रही थी वो 8 knot पर चल रही थी और हवा की स्पीड 40 knot थी, उनकी बोट की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा।
एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, और समुद्र में और ऊंची लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटियोरेट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात मौसम और ज़्यादा ख़राब होता रहा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, 5 जनवरी की सुबह, आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति फिर से डेस्परेट हो गई, फिर से निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों के केबिन में गया उन्हें तसल्ली देने के लिए, John asked, मेरे बेटे ने पूछा, Daddy, are we going to die? क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम make it का मतलब होता है सफल होना, हम बचने में सफल हो जाएंगे, यानी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। But Daddy, He went on, लेकिन उसने कहा, Daddy, we are not afraid of dying if we can all be together. John की ये लाइन टाइटल है इस चैप्टर का। John कहता है, we are not afraid to die, हम मरने से डरते नहीं हैं, if we can all be together, अगर हम सब एक साथ हैं, you and mummy, Sue and I, आप, मम्मी, Sue और मैं। इससे पहले हमने सू का करेज देखा था, जब उसने अपनी चोट छुपा ली थी, वो किसी को नहीं बता रही थी उसे कितना दर्द हो रहा है, और अब हमें जॉन का करेज दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि वो मरने से नहीं डरता क्योंकि वो सब एक साथ हैं। यहाँ पर दोनों बच्चों का कैरेक्टर देखो, वो डर नहीं रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, चीख चिल्लाना नहीं हो रहा है कि अब हम मर जाएं, बल्कि वो दोनों अपने पेरेंट्स का पूरा साथ दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पोंड, मुझे कोई वर्ड नहीं मिले जिससे मैं उसको जवाब दे पाऊँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने इस निश्चय के साथ बच्चों का केबिन छोड़ा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा समुद्र से लड़ने की। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि जो पोर्ट हल है, यानी जो लेफ्ट साइड है, आने वाली वेव्स उसके फेस में होंगी, यानी वो सामने रहेगा। यूजिंग एंड इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलोन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइटर ने एक नया एंकर बनाया, और उसके लिए उसने नायलोन की भारी रस्सियाँ और 2 22 लीटर के प्लास्टिक पैराफिन के बैरल लिए, ताकि वो अपनी नाव की स्पीड कम कर सके। एंकर बच्चों इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नाव को रोकने का काम करता है। आज इतना ही बच्चों, इसके आगे कल पढ़ेंगे।